दोस्तों हम लोग पीर पंजाल पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं। पीर पंजाल पहाड़ी के ऊपर एक शिखर पर एक दरगाह है, पीर पंजाल दरगाह, जिसे इस पहाड़ी का जीरो पॉइंट कहा जाता है। शोपियां से उस जीरो पॉइंट तक की दूरी मतलब चढ़ाई 41 किलोमीटर की है और उसकी जो ढलान है वो 46 किलोमीटर की है। तो ये पूरा स्ट्रेच पार करने में हमने अलग अलग एक्सपीरियंसेस को हमने देखा। पहले रूखी पहाड़ियाँ थी, फिर हरियाली का सामना किया, हरियाली हरियाली देखी हमने। हमने बकरवाल जाति के लोगों को देखा किस तरह वो घर बना के रहते हैं पहाड़ों के अंदर, जहाँ रहना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। वो वहाँ पर रहते हैं, बकरियाँ भेड़ चराते हैं, इन्हीं पहाड़ों पर अपना गुजर बसर करते हैं। फिर हमने एक पल वो भी देखा जब बादलों ने हमें ढक लिया और बादलों से हमें ये हुआ कि हम सामने देख भी नहीं पा रहे थे कुछ ही फिर दूर, और बारिशों के बीच हम लोग को होते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे, वो फुहारें हमारे ऊपर पड़ रही थी। कमाल की खूबसूरती है दोस्तों, नेचर ने कितना कुछ हमें दिया है। अब हम कुछ ही देर बाद नीचे उतर जाएंगे और फिर हम बढ़ेंगे पुंछ जिले की ओर। वहाँ से हमारा अगला पड़ाव रहेगा बूढ़ा अमरनाथ। दोस्तों सुबह के 6:15 बज रहे हैं और मैं और मेरे साथ पवन भाई हैं, तो हम लोग जा रहे हैं फिर से एक बार हर हर महादेव प्रयास करने के लिए कि क्या अपडेट आया है थाने पर, वो पता करेंगे। हम लोग पैदल ही आगे तक बढ़ेंगे, जहां चेक पोस्ट है वहां पता करेंगे, और चेक पोस्ट के बाद अगर हमें अलाउ किया, क्योंकि देखिए कुछ भी क्लियर नहीं है, हर जो अथॉरिटीज़ हैं वो एक दूसरे पर इसको डाल रही हैं। हमें पहले अगर रोक दिया गया होता जहाँ हम रुके थे चंद्रकोट में, तो भी परेशानी नहीं होती, हम लोग वहाँ से लौट गए होते। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट फंसे हुए हैं, नेपाल से एक बस आई है टूरिस्ट को लेकर, वो सभी बेचारे यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो बहुत बड़ी संख्या है, देखिए इतनी गाड़ियाँ हैं यहाँ खड़ी हुई हैं, देखिए ये गाड़ियाँ इधर खड़ी हुई हैं, पीछे बस भी है आगे, तो बहुत बड़ी संख्या है टूरिस्टों की। अब हम फिर से प्रयास करेंगे और अगर किसी कारणवश हमें अनुमति मिल गई तो हम लोग निकल जाएंगे बालटाल से आगे के लिए, और अगर नहीं मिलती है तो हम जाएंगे बूढ़ा अमरनाथ। ये है पुलिस स्टेशन मेरे पीछे, देखिए यहाँ का सोनमर्ग का बहुत ही खूबसूरत जगह है। आइए फिर से मैं पता करता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि क्या अपडेट हमें मिलता है। क्या एक्सपीरियंस है भाई साहब आपका, आप बताइए एक बार। एक्सपीरियंस अभी तक का तो बहुत अच्छा रहा है, आने में जाने में हर जगह आर्मी का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, बट जो प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो रखी है एक्चुअल में कुछ कन्फर्म नहीं पता है उसके बारे में कि चल क्या रहा है। यहाँ पर काफ़ी यात्री है यहाँ पर जो काफ़ी दूर से कर्नाटका, जैसे भाई ने भी बताया, कर्नाटका महाराष्ट्र नेपाल से बस तक आ रखी है यहाँ पर, उसके बावजूद भी सब यहाँ पर इसी आस में बैठे हुए कि शायद आज एक अमरनाथ यात्रा के लिए हमें दर्शन मिल सके। बट लेट्स होप यही है, अगर बाबा बर्फानी ने बुलावा हुआ तो ज़रूर आज के दिन हम बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। चेक पोस्ट यहाँ पर कुछ दूर है, आर्मी की जो चेक पोस्ट होती है हाईवे पर है वो, और सबकी अपनी एक ही कहानी है, कोई महाराष्ट्र कोई कर्नाटक कोई मुंबई। बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा मुझे, पूरे मन से आए थे लेकिन इन्होंने यहाँ चेक पोस्ट के आगे हमें रोक दिया। कल से हम यहाँ वेट कर रहे हैं, कोई हेल्प नहीं हो रही, कोई बताने वाला नहीं, कोई कहता है हमें नहीं पता, कोई कहता है हमें नहीं पता, अथॉरिटीज एक दूसरे पर डाल रही है मामले को। कहते 40 किलोमीटर उधर चले जाओ, हेड ऑफिस चले जाओ, वहाँ चले जाओ, बस घुमा रही है, खर्चे पे खर्चा हो रहा है लेकिन हेल्प कुछ नहीं हो रही। वो कर्नाटक वाले भी कहाँ? हाँ हाँ, आप भी बताइए क्या है, क्या कहाँ से आए थे आप? हम यूपी देवरिया से आए थे। हाँ, तो क्या लगा, फिर कैसा रहा? हमें लगा कि दर्शन हो जाएंगे लेकिन यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि आतंकवादी छिपे हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं आईएस मिला हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं लैंडस्लाइड हुआ है, सड़क टूट गई है उसकी। तो जितने लोग उतनी बातें चल रही हैं, जितने लोगों को पूरी जानकारी दे नहीं रहे हैं लोग, इसीलिए मन दुखी है कि नहीं बाबा के दर्शन कर पाए। भाई साहब आप बताइए आप कहाँ से आए थे? मैं गुड़गांव से आया था। तो आपको अब वापस तो जाना ही पड़ेगा, अब वापस उसकी वजह से सोच रहे हैं कि वैष्णो माता दर्शन कर ले, दिल तो टूट ही गया कि अब महादेव का दर्शन कभी ना करें, क्योंकि बड़ी अफसोस करके तैयारी हुई थी कि काश महादेव मिलेंगे, दर्शन होगी, लेकिन नहीं मिले, अब उम्मीद खत्म। नहीं नहीं कोई नहीं, अगले बार फिर आएंगे, जल्दी आएंगे, जून में आएंगे अगली बार। उम्मीद नहीं है जब इतना नुकसान करके आए, साला कोई भरोसा नहीं कंपनी में फिर नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ, यही क्या पता अगली बार भी प्रॉब्लम हो जाए, अगर दर्शन देना ही होगा तो इतना अभी टाइम था 5-6 दिन, उसमें हम लोग का दर्शन हो जाता, शायद नसीब में है ही नहीं। कर्नाटक से आए भाई साहब, वो देखिए इनको इनकी भी यात्रा नहीं हो पाई, वैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, इतने परेशान है कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं।
ऐसा हो गया कि बस कश्मीर बायकॉट कर दूं कि आना ही नहीं है कभी कश्मीर। सेम ईयर सेम ईयर जितने रिलेशन में है और है कोई है सबको ये मना कर देना, जाना ही नहीं है कभी। बोला जा रहा है कि डीसी से बात करो, डीसी बात नहीं कर रहे हैं, तो डीसी को खुद यहाँ आना चाहिए लोगों को बताने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। डीसी बात नहीं कर रहे हैं और जो सुपर अथॉरिटीज हैं वहां से कोई आ नहीं रहा है, क्या बोल सकते हैं। बहरहाल दोस्तों हम यहाँ चाय पीने के लिए रुके हुए हैं, अब चाय पियेंगे फिर सामान लेंगे और कुछ खाएंगे पियेंगे ताकि हैवी ब्रेकफास्ट कर लें और सीधा निकलेंगे हम लोग बूढ़ा अमरनाथ के लिए। दोस्तों हम लोग आ गए हैं श्रीनगर और श्रीनगर के टैक्सी स्टैंड पर हैं। हमें बालटाल सोनमर्ग से यहाँ आने में 3 घंटे लगे, बस से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। बस से जो हमारा फेयर लगा है पर पर्सन 150 रुपये लगा है और 3.5 घंटे के आसपास का वक्त भी लगा है। बस थोड़ा स्लो चलती है, स्टैंड पर रुक रुक कर चलती है तो जो वक्त है थोड़ा ज़्यादा लगता है। अब हम जा रहे हैं बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा पर। ऐसा माना जाता है कि अगर अमरनाथ की यात्रा न हो पाए तो आप बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा कर लें और ऐसी कई कहानियाँ भी हैं इतिहास में। तो हम इसी मकसद से इसी उद्देश्य को लेते हुए बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ से जो टैक्सी का फेयर है वो कितना होता है श्रीनगर से और आप कैसे बूढ़ा अमरनाथ पहुँच सकते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे इस वीडियो में आगे। दोस्तों हम लोगों ने श्रीनगर से मंडी जो पुंछ में स्थित है वहाँ तक के लिए हमने टवेरा गाड़ी बुक की है। इसका कॉस्ट आया है 6,000 रुपये और ये हमें बूढ़ा अमरनाथ मंदिर पर छोड़ेगी गाड़ी। वहाँ हम लोग मंदिर के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे वैष्णो देवी की यात्रा पूरी करने के लिए। तो ये है हमारे एक नए सफ़र की नई शुरुआत। तो आइए आपको लेकर चलते हैं इस पूरी यात्रा में और दिखाएंगे कि कैसे आप बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा कर सकते हैं इनकेस अगर आपकी अमरनाथ यात्रा नहीं हो पाती है, हो भी पाती है तो भी। दोस्तों सोनमर्ग में तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी लेकिन यहाँ पर जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम लोग जाएंगे पुलवामा होते हुए, पुलवामा पुंछ फिर मंडी आएगा और पीर पंजाल की चोटी भी पड़ती है जो सबसे ऊंची चोटी है पूरी जे एंड के वैली की घाटी की, तो हम वो भी आपको दिखाएंगे। बहरहाल आप बाहर के नज़ारे देखिए। हाँ हाँ ये आकाश आकाश थिएटर के पास हमें जाना है श्रीनगर से मुगल रोड। ठीक हाँ। तो मुगल रोड से हम पहले आएगा शुपेन, तो शुपेन के बाद आएगा दुबजी एरिया हाँ। दुबजन एरिया, तो दुबजन से स्टार्ट होता है पीर पंचाल रेंज हाँ। स्टार्ट होता है उधर से नेटवर्क कट हो जाता है 80 किलोमीटर हाँ, 80 किलोमीटर से कोई नेटवर्क नहीं आएगा। तो आप लोग कैसे बातचीत करते हैं? हम पहले मतलब घर वालों को बताते कि हम चलो हम निकल गए पीर पंचाल रोड पे हाँ। तो इंशाल्लाह हम उसके बाद हम आपसे बात करेंगे, 80 किलोमीटर के बाद बात होती है, ये प्रॉब्लम है इस रोड पे। दोस्तों देखिए बगल में वो रेलवे ट्रैक आपको दिखाई दे रहा होगा, वो ट्रैक बारामूला से शुरू होता है, जो रेलवे लाइन जो शुरू होती है उसका ट्रैक है और ये जाता है बनिहाल तक। अभी आगे रेलवे का जो काम है वो किया जा रहा है और कुछ वर्ष इसको और लगेंगे पूरा होने में। कमाल की रोड है दोस्तों, कमाल की शानदार रोड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लेवल पे बहुत ही बेहतरीन काम किया गया है पूरी वैली के अंदर और अभी भी काम लगातार हो रहा है। आगे देखिए फ्लाईओवर बन रहा है, वहाँ पे एक नई सड़क दिख रही है। भैया कौन सी सड़क है? वो रिंग रोड है, नया रिंग रोड बन रहा है। ये सभी सिटी में कनेक्ट हो जाएगा, काजीगुंड से सीधा मतलब अगले मतलब 3-4 साल में कंप्लीट हो जाएगा तो सीधा जाएगा अमरनाथ यात्रा इसी रोड से। अच्छा, यात्रा डायरेक्ट जाएगी अमरनाथ यात्रा। क्या बात है, जम्मू से आदमी यहीं से कर लेगा? हाँ सीधा जाएगा उसी रोड से, रिंग रोड से जाएगी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। और कब तक शुरू होगी? 2025 तक शुरू होगी शायद। हाँ 25 इंशाल्लाह तक हो जाएगा क्लियर। दोस्तों ये है मेन पुलवामा और इसके देखिए सड़क के जो जिस सड़क पे हम चल रहे हैं बाईपास रोड है, इसके दोनों तरफ आपको सेब के बाग दिखाई देंगे। ये देखिए ये सेब की खेती है, इसके पीछे ये देखिए पीछे देखिए सेब के बाग है, इधर भी देखिए सेब के बाग है, वो पीछे देखिए। दोस्तों ये है सेब के पेड़, वो देखिए सेब कैसे टंगे हुए हैं यहाँ पे। दोस्तों पुलवामा में यहाँ पर एक एप्पल फार्म के बगल में पेट्रोल पंप है, वहाँ पे गाड़ी रुकी हमारी और यहाँ पर देखिए एक एप्पल तोड़ने में कामयाबी हासिल की हमने। पूरा देखिए एप्पल का वैली कहा जाता है इस इलाके को, एप्पल की अच्छी खेती होती है। हम पुलवामा से जा रहे हैं, समझो आप हिली स्टेशन है हाँ। पुलवामा से हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं पीर पंचाल तक। अच्छा, पीर पंचाल से फिर डाउन हो जाएगा और पुलिस तक नीचे आएगा। हाँ नीचे आएगा, अप एंड डाउन है। अच्छा ठीक है हाँ, तो इस वक्त हम चल रहे हैं पीर पंचाल तक।
ये है जिला शोपियां, जिला शोपियां है ये। अच्छा, पुलवामा के बाद शोपियां आएगा, पुलवामा के बाद शोपियां आएगा, शोपियां के बाद आएगा पीर पंजाल रेंज। ठीक है, चलो दोस्तों देखिए सामने जो दिख रहा है आपको वो शोपियां की मंडी है। हम लोग शोपियां जिले में आ चुके हैं और यहाँ से एप्पल और जितने ये बब्बू बोसा यहाँ जो उगता है वो देश भर में और दुनिया भर में सप्लाई होता है। सेब की खान है ये जगह, सेब की खान कहा जाता है इसको, शोपियां को और पुलवामा को। और सीधा हम लोग अगर जाएंगे तो हम जाएंगे नौशेरा, जहाँ पर आपने शैली की खबरें सुनी होंगी अक्सर। सीधा सामने पीओके पड़ता है, लेकिन पीओके से जस्ट पहले पुंछ में जाएंगे, पुंछ के आगे मंडी जगह है, यहाँ पर बूढ़ा अमरनाथ मंदिर स्थित है। अब देखिए दोनों तरफ देखिए सेब के बागान है, क्यों भैया सेब यहाँ पर हर जगह हमें सेब के बाग दिख रहे हैं, बब्बू बोसा के बाग दिख रहे हैं, कमाल की खेती है दोस्तों यहाँ पर। साथियों ये है खैर बाग, जिसे मेन शोपियां कहा जाता है। अभी हम लोग इसकी मार्केट से गुजर रहे हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ हीरपुरा मार्केट में पहुँचे हैं, तो जो ड्राइवर भाई साहब थे उनको कुछ खाना खाना था, उन्होंने हॉट लिया तो हमने भी हॉट लिया। और देखिए मैं यहाँ पे जो शूज़ हैं मेरे वो थोड़े से उनकी जो सिलाई है उधर गई थी, तो शूज़ सिलवाने के लिए भाई साहब के पास आया। भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम तो यहीं सिलते हैं, यहीं रहते हैं। अभी कितना वक्त लगेगा पुंछ? कितना लगेगा? थोड़ा डेढ़ घंटा। पुंछ से आगे हमें जाना है बूढ़ा अमरनाथ। अमरनाथ? हाँ, वो टाइम कितना लगेगा बूढ़ा अमरनाथ के लिए? जी सर, बूढ़ा अमरनाथ के लिए टाइम कितना लगेगा? मंडी लगेगा टाइम, लगेगा टाइम, दूर है ना सर। जा दोस्तों, शोपियां की हीरपुरा मार्केट में हमें नाके पर रोका गया था और हमें वहां पर एक तरह से हमारा रुकना तय हो चुका था, लेकिन फिर हमने बताया कि हम लोग कहां जा रहे हैं, कहां से आए हैं, उसके बाद हमारी एंट्री मुमकिन हो सकी है। वहां पर एंट्री में हमारे नाम लिखे गए और फिर हमें छोड़ा गया। तो अब हमने जो एंट्री ली है वो पीर पंजाल माउंटेन रेंज के अंदर हम चल रहे हैं। आप देखेंगे पूरा जो रेंज है ये पीर पंजाल कहते हैं इसको। भैया कितना किलोमीटर है ये पूरा रेंज, पूरा जो स्ट्रेच है ये वाला? शोपियां से 41 किलोमीटर से पीर पंजाल, शोपियां से लेकर 40 और प्लस 41 किलोमीटर तक का ये पूरा रेंज है। हम दुबजन पहुँचेंगे, भैया बता रहे हैं दुबजन से पहले ये जो व्यू है पूरा, यहाँ पे देवदार के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं और बहुत ही खूबसूरत घाटी है ये। तो ये देख रहे हैं आप सामने, हम लोग पीर पंजाल माउंटेन रेंज के अंदर से आए हैं और दोस्तों हम लोग मौजूद हैं पीर पंजाल माउंटेन रेंज पे। और ये देखिए सामने का व्यू, वो ग्लेशियर से बहकर आती हुई नदी निकल रही है और सामने देवदार के घने जंगल हैं, दूर तक फैली हुई पहाड़ियाँ और ये सुनहरी हवा, ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। दोस्तों ये है पीर पंजाल का जीरो पॉइंट, इसी के नाम पर इस पूरी पहाड़ी का नाम पीर पंजाल पड़ा है। ये पीर पंजाल दरगाह है। देखिए दोस्तों गिद्ध, पहली बार हम लोग गिद्ध को इतने करीब से देख रहे हैं इस पहाड़ी पे। ये है रताछम। सात मोड़ हमने कवर कर लिए, अब जो डेंजरस पॉइंट थे हमने वो क्रॉस कर लिए। अब आ गया रताछम, ये पुल। हाँ, ये पुल है रताछम। इसके बाद आएगा छता पानी। अच्छा, ये वाला है लेफ्ट साइड में रताछम। क्या भैया ये चीज़? इसका नाम
पीर पंजाल माउंटेन रेंज से जब हम नीचे आते हैं तो पुंछ से ठीक पहले जो छत्ता पानी है वो पार करने के कुछ किलोमीटर बाद आर्मी का एक कैंप है, वहाँ पर सभी गाड़ियों को रोककर बारी बारी से सबके आईडी कार्ड चेक किए जाते हैं, पैसेंजर्स के आईडी कार्ड चेक किए जाते हैं, उनकी फ़ोटो ली जाती है, कहाँ से आए हैं कहाँ जाए हैं हर चीज़ चेक होती है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव जोन है पुंछ, राजौरी, आगे शोपियाँ, ये सभी बहुत ही सेंसिटिव जोन है और ये मिलिटेंट एक्टिविटी का गढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सभी एरिया साउथ कश्मीर में आते हैं और ये साउथ कश्मीर का पूरा एरिया पीओके से लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हैवी सिक्योरिटी रखी जाती है। दोस्तों हम लोग पीर पंजाल पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं। पीर पंजाल पहाड़ी के ऊपर एक शिखर पर एक दरगाह है, पीर पंजाल दरगाह, जिसे इस पहाड़ी का जीरो पॉइंट कहा जाता है। शोपियाँ से उस जीरो पॉइंट तक की दूरी मतलब चढ़ाई 41 किलोमीटर की है और उसकी जो ढलान है वो 46 किलोमीटर की है। तो ये पूरा स्ट्रेच पार करने में हमने अलग अलग एक्सपीरियंसेस को हमने देखा, पहले रूखी पहाड़ियाँ थी, फिर हरियाली का सामना किया, हरियाली देखी हमने, हमने बकरवाल जाति के लोगों को देखा किस तरह वो घर बना के रहते हैं पहाड़ों के अंदर, जहाँ रहना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, वो वहाँ पर रहते हैं, बकरियाँ भेड़ चराते हैं, इन्हीं पहाड़ों पर अपना गुजर बसर करते हैं। फिर हमने एक पल वो भी देखा जब बादलों ने हमें ढक लिया और बादलों से हमें ये हुआ कि हम सामने देख भी नहीं पा रहे थे कुछ ही फिर दूर, और बारिशों के बीच हम लोग को होते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे, वो फुहारें हमारे ऊपर पड़ रही थी। कमाल की खूबसूरती है दोस्तों, नेचर ने कितना कुछ हमें दिया है। अब हम कुछ ही देर बाद नीचे उतर जाएंगे और फिर हम बढ़ेंगे पुंछ जिले की ओर, वहाँ से हमारा अगला पड़ाव रहेगा बूढ़ा अमरनाथ। हर ब्रिज का नाम दिया हुआ है बढ़िया से। कलाई का नया पुल बना है। पहले जो गाड़ियां जाती थी वो नदी के अंदर से जाया करती थी, अभी ये पुल भी बन गया है और इससे जो बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा है वो ज़्यादा आसानी से पूरी हो पा रही है। ये नदी बह रही है जो जाती है सीधा पाकिस्तान में और फिर मुड़कर आती है इंडिया में, पुंछ रिवर, पुंछ रिवर कहते हैं इसको। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही शानदार नज़ारा सामने। दोस्तों फाइनली 7 घंटे से भी ज़्यादा की जर्नी के बाद पुलवामा, शोपियां और पीर पंजाल के पर्वत और उसके बाद पुंछ होते हुए हम यहाँ पर आ पहुँचे हैं बूढ़ा अमरनाथ के मंदिर पर। आसपास काफ़ी दुकानें हैं, काफ़ी शॉप्स हैं, काफ़ी बड़ी मार्केट है, बस स्टैंड भी बहुत पास में ही है और इस मंदिर तक आने के लिए एक नदी पर नया ब्रिज भी बनाया गया है जो कमाल की बात है। तो जो टूरिस्ट हैं, जो भक्त हैं, वो यहाँ दर्शन के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर रहने की सुविधा है, हॉल मिलता है फ्री में और कमरे का जो शुल्क है वो 300 रुपये है और लंगर की व्यवस्था यहाँ पर रहती है हमेशा। तो आप क्या जिस भी तरह से आएँ, आप यहाँ पर रहने की चिंता और खाने पीने की चिंता छोड़ दें, आप आराम से यहाँ पर आके स्टे कर सकते हैं। दोस्तों गुड मॉर्निंग, आज दिन है वेंसडे और तारीख है 14 अगस्त। सुबह हो चुकी है, हम लोग मौजूद हैं पुंछ के मंडी में बूढ़ा अमरनाथ मंदिर पर। इसको बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी भी कहते हैं क्योंकि जो पूरा मंदिर का जो गर्भगृह है उसकी जो दीवार है, जो मंदिर की आकृति है वहाँ पर, वो पूरी एक ही चट्टान से बनाई गई है और यहाँ पर हैवी सिक्योरिटी रहती है क्योंकि जानते हैं कि पुंछ एक काफ़ी सेंसिटिव एरिया है और यहाँ हिंदू पॉपुलेशन भी बहुत कम है, तो इसी वजह से यहाँ पर हैवी सिक्योरिटी है। BSF, आर्मी सभी की यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है, हैवी डिप्लॉयमेंट है और यहाँ पर मंदिर है, हमने दर्शन किए। अब सुबह हो गई है, लंगर बाहर भी है, जो मेला परिसर है उसमें भी 2 लंगर चलते हैं और अंदर मंदिर में जो लंगर है वो तो 12 मास चलता है और जो सेवा करते हैं उसके अंदर वो आर्मी के ही लोग हैं, आर्मी के ही लोग वहाँ खाना भी बनाते हैं, पूरी आर्मी की जो भी सेना के जवान हैं उनके लिए और प्लस लोगों के लिए भी खाना बनता है जो भक्तों के लिए, और सेवा करती हैं वो करती हैं उनकी महिलाएं, जो आर्मी के लोग
आर्मी पर्सन की जो वाइफ हैं वो वहाँ पर सेवा भी करते हैं वो लोग, और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, आप कभी भी आएँ, ठहरने खाने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी लंगर है जो स्थानीय लोग चलाते हैं इसी दरमियान, सावन के दरमियान। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, मेला परिसर है, इसके अंदर मेला लगा हुआ है और कई चीज़ें बिक रही हैं, बच्चों के खिलौने हैं, टैटू लोग बनवा सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों अभी जो भीड़ है थोड़ी ज़्यादा हो गई है क्योंकि जम्मू से जो जत्था है यात्रियों का वो सुबह सुबह आया है, और इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर सिख धर्म और हिंदू धर्म के लोग मिलकर काम करते हैं, इस मंदिर को चलाते हैं, और मुस्लिम लोग भी उनके साथ मिलकर सहभागिता करते हैं अपनी। कमाल की चीज़ है इस मंदिर से जुड़ी हुई। देखिए भक्तों का पूरा एकदम से सैलाब उमड़ आया है यहाँ पर। दोस्तों हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है, हम निकल गए हैं यहाँ मंडी से जो पुंछ में स्थित है। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अमेजिंग यात्रा रही, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए हमारे, और जो कसर थी मन में, कसक थी मन में अमरनाथ यात्रा को न कर पाने की, वो कसक कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। हालांकि हम अगले साल फिर से आएंगे और इसी उम्मीद नहीं, इसी जोर शोर से आएंगे और इसी जोश के साथ आएंगे, लेकिन इससे अधिक जोश के साथ आएंगे, लेकिन जून में आएंगे, हम यात्रा के समापन के वक्त नहीं आएंगे। तो दोस्तों कैसा लग रहा है निकलने पर यहाँ से, बताइए। बेहतर, एकदम बहुत सुंदर, अद्भुत नज़ारा था बाबा का, और बाबा की कृपा बनी रहे सब पे, हम आठों लोगों पे, और हम यही कहना चाहते हैं कि बाबा हर साल हमें बुलाएं। जय 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 जय। सब बढ़िया हो गया, बढ़िया से बढ़िया, बहुत बढ़िया, हर हर महादेव। अच्छे दर्शन हुए, ऐसा लग रहा था कुछ पावर है, बिल्कुल शांत हो गया, बिल्कुल शांत हो गया। देखो क्या होता है बड़े शिवलिंग में या बड़े मंदिरों में, क्या होता है कि आप लोगों को पूजा करने का मौका नहीं मिलता है, और पूजा करने के बाद आप वहाँ पर ध्यान करने का आपको मौका नहीं मिलता है। यहाँ पर ऐसा था कि आपने पूजा की, हम लोग एक्चुअली रात को आ गए थे तो सुबह हमारे पास बहुत टाइम था, आरती अटेंड की है, पूजा की है, प्रॉपर शिवलिंग के पास बैठ कर ध्यान लगाया है, तो बहुत अल्टीमेट मतलब अद्भुत था, अद्भुत मजा आ गया। सर आप बताएं, बहुत ही बढ़िया था। देखा जाए जो थोड़ी सी कसर रह गई थी बाबा अमरनाथ जी के वहाँ पर, वो बस यहाँ आके पूरी हो चुकी है। बस यही कहेंगे अब अगले साल जल्दी आएंगे, और स्टार्टिंग में बाबा बर्फानी के दर्शन भी पूरे देखने को मिलेंगे। हर हर महादेव। जो जो मन, जो मन में गुस्सा था वो यहाँ आके बिल्कुल शांत हो गया। नो नो बालाजी भाई, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। बालाजी भाई, यू आर फ्रॉम बेंगलोर ना, सो हाउ वाज देयर एक्सपीरियंस? सो इट वाज रियल एक्सपीरियंस, सो वी डिडंट हैड द यू नो द अमरनाथ, द ओरिजिनल अमरनाथ इन Belgaum se, so we couldn't do that because we came at the end, so thinking that they will allow us to live. But due to the, you know, the reason, security reason or weather reason, so we couldn't go there. We'll try again the next time, we'll come year and year in the beginning, yes. Maybe, so that we could have a more, you know, definitely we will come. Prosperous devotion and darshan of Bholenath. Yes. जय हो, जय जरूर आएंगे, जरूर आएंगे बाबा, जरूर। जय हो, जय हो, जय हो। तो दोस्तों यहाँ समापन हम लोग कर रहे हैं जो हमारा व्लॉग है बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा का, बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा का जो व्लॉग है उसको हम लोग यहाँ पर द एंड कर रहे हैं, उसको हम समापन कर रहे हैं। लेकिन हमारे व्लॉग्स का सिलसिला जारी रहेगा, ट्रैवल जुनून पे नए नए वीडियोस, नए नए व्लॉग्स आते रहेंगे, आप देखते रहिए हमारे वीडियोस को, क्योंकि संजय इस चैनल के लिए बहुत मेहनत करते हैं। संजय हमें यहाँ पर लेके आते हैं, संजय हमें घुमाते हैं, वासु भी हमें घुमाते हैं, और इनके साथ जहाँ जहाँ हो पाता है मैं भी चला जाता हूँ, लेकिन इन्हीं के साथ जो भी हो पाता है, इन्हीं के नेतृत्व में काम चल रहा है। तो मिलेंगे अगली बार एक रोचक यात्रा और नए रोमांच के साथ, आप देखते रहिए ट्रैवल जुनून। जय बाबा बर्फानी की, जय बाबा बूढ़ा केदार की, ओम नमः शिवाय, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव।